नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने इशारों पर पूरे बॉलीवुड को नचाया है। तो हमारे साथ गणेश आचार्य मौजूद हैं अभी। तो सबसे पहले मैं आपका देसवा न्यूज में स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो बिहार आकर कैसा लगा, पहले तो ये बताइए हमारे। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मेरी फिल्म प्रमोट करने के लिए सबसे पहले ये जगह, इससे अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ मिट्टी को बहुत प्यार करते हैं, हिंदुस्तानी कल्चर को बहुत प्यार करते हैं और ये फिल्म के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर बहुत अच्छी है, डांस के माध्यम से उसको प्यार कीजिए। मैं आपके सामने ले रहा हूँ देहाती डिस्को। सर, देहाती डिस्को इंग्लिश वाले किसको, इसका थोड़ा बताइए। देखिए, फिल्म में बेसिकली एक ऐसा मुद्दा आता है जहाँ पे अंग्रेजी सीख के आया हुआ लड़का डांस से बहुत घमंड की बातें करता है कि मैंने ये लॉकिंग, पॉपिंग, हिप हॉप, हाउस ये किया है, तुम क्या करते हो, तुमको क्या आता है। तो मेरा बेटा चैलेंज उठाता है जो सक्षम है, बोलता है कि देखिए आप जो भी सीख के आए ठीक है, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है, हम उस पर गर्व करते हैं और हम चैलेंज करते हैं। लेकिन गाँव वाले आते हैं और बोलते हैं कि भैया वो इंग्लिश डांस सीख के आए इंग्लिश। तो हम कहते हैं बेटा बेटा कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले किसको आए हैं देहाती डिस्को। तो 19 साल की उम्र से कोरियोग्राफी में की दुनिया में कदम रखा, अब अभिनय कैसा अनुभव रहा? देखिए, अभिनय ये मेरा जॉब नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और ये डांस की फिल्म है, मनोज शर्मा डायरेक्टर ने कहा कि आपको करना ही होगा और डांस की फिल्म है। और मैं मेरे पिताजी से बहुत कनेक्ट था, मैं बाप बेटे के इमोशन समझ सकता था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट किया है रवि किशन ने, राजेश शर्मा ने और मनोज जोशी ने, सक्षम ने, दे आर उन लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनसे सीखते सीखते मैंने कोशिश की कि फिल्म में थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लूँ। सर, आज के जनरेशन पे जितने बच्चे हैं उन पर वेस्टर्न डांस का ज़्यादा प्रभाव है, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं इसीलिए देहाती डिस्को फिल्म बनाई है, प्लीज़ आप जाके देखिए 27 मई को, आपको पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तानी कला में कितनी पावर है, हमारे मिट्टी में कितनी पावर है। जी, तो जो भी बच्चे हैं, जैसे पूरी आप इंडिया के उठा लीजिए, तो वो गणेश आचार्य को बहुत एडमायर करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि हिंदुस्तानी डांस को बहुत एडमायर करते हैं जी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी डांस करता हूँ, चाहे वो रामलीला ततर ततर देखिए, या मल्लारी देखिए, खली बली देखिए, या लक्ष्मी बॉम्ब का बम बम बोले गाना देखिए, या जो भी बोलिए। जानना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे आपको एडमायर करते हैं, और कहा भी जाता है कि गणेश आचार्य जो बच्चे आते हैं इस फील्ड में तो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बिहार में इन बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं सर, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या? 100% ये पहले तो मैं कहूंगा कि 27 मई को फिल्म देखिए, आपको ये फिल्म में अपना हिंदुस्तानी डांस मिलेगा। अगर आप इसको देखोगे तो 100% हिंदुस्तानी कला बहुत है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम आगे पेश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे कलाकार मैंने बिहार यूपी से लिए हुए, मैं वापस दूसरा कुछ करूँ तो यहाँ से मैं और मात्रा में लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ टैलेंट बहुत है और बहुत प्यार करते अपने मिट्टी को लोग। सर, इस फिल्म की बात करते हैं, फिल्म में आपका क्या किरदार है? मैं पिताजी का रोल कर रहा हूँ, मेरा बेटा है, बाप बेटे का कहानी है, मैं मेरे बेटे को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो मनोज जोशी, उन्होंने डांस को मुझे रोका है नहीं करने से, लेकिन मैं मेरे बेटे को बोल रहा हूँ तू कर, तू आगे बढ़। वो चैलेंज करता है वेस्टर्न कल्चर के डांस को और मैं कैसे उसको सपोर्ट करता हूँ हिंदुस्तानी कल्चर के डांस को लेकर। उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको लगता है कि जो भी मतलब इस फील्ड में आते हैं, डांस के फील्ड में आते हैं, इसमें बहुत स्ट्रगल है और अपने बच्चों को जनरली जो है डांस के फील्ड में नहीं भेजना चाहते? देखिए, ऐसा नहीं है, सक्षम जो है वो सुपर डांसर 3 में फाइनलिस्ट था, मैंने वहीं से लेके आया। अगर बच्चा अच्छा डांस करता है तो उसको आगे बढ़ाओ। आज देखिए सक्षम इस फिल्म में मेन लीड कर रहा है, कला डांस से आज आपके बच्चों को आप वो सब कुछ करने दीजिए जो उनको करना है, आप फिर बच्चे आपके सपना पूरा करेंगे अगर आप बच्चों के सपने को देखोगे। सर, रवि किशन के साथ आपका कैसा अनुभव रहा काम करने का? देखिए, रवि किशन जी जो है वो मेरे बचपन से दोस्त हैं और मैंने बोला रवि मेरे छोटे भाई का काम है और अच्छा मैसेज है कि मतलब तुम क्या इतना अच्छा करना चाहते हो देश के लिए। तो रवि ने वो कैरेक्टर किया, मुझे सपोर्ट किया, भाई जैसा है, मुझे बहुत प्यार करता है, तो मैं बहुत आज रवि अच्छे अहदे पे यहाँ पे, और मैंने कहा कि रवि तुम जितना हो सके इस फिल्म को सपोर्ट करो, क्योंकि अपने देश की बात है, हमारे मिट्टी की और हमारी संस्कृति की बात है। सर, गणेश आचार्य को देख करके आज लोग कहते हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते, हाँ। मतलब आपके फैट टू फिट की जर्नी कैसी रही ये थोड़ा बता दीजिए, ये लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है उसमें, मैं अक्षय कुमार जी का बहुत साथ हाल बोलूँगा। अक्षय ने मुझे टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, क्या करना, स्विमिंग, जिम, बहुत सारी टिप दी, तो धन्यवाद अक्षय कुमार को बोलूँगा, मेरी वाइफ विधि को बोलूँगा, मेरे परिवार को बोलूँगा। फिर उसके बाद मैंने मेहनत की, स्विमिंग की है, डाइट किया है, जिम किया है,
क्योंकि जनरेशन फिटनेस पे जा रही थी और हम जनरेशन को फॉलो करते हैं, अपग्रेड रहते हैं, तो वही मेरे राज है। सर आखिरी सवाल, बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार आए? 27 मई को फिल्म रिलीज हो रही देहाती डिस्को, प्लीज़ जाके देखिए थिएटर सिनेमा में, आप देखेंगे आपका प्यार मिलेगा, तो और बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी चीज़ें जो आपके सामने पेश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।